गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह चाय का तैयारी कर रहे हैं। आज लिए है भाजा हुआ मूंग दाल और छोला चना भाजा हुआ। किट्टू के लिए हॉर्लिक्स, मेरे और बिहारी बाबू के लिए चाय। थोड़ा लेट से उठते हैं तो तीनों एक साथ बैठ के पहले चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टूसी सहानी। आई होप कि सब ठीक होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 8:15 बाकी है। आज ना किट्टू सुबह उठा है, भोर के टाइम ना कंटिन्यू लाइट भाग रहा है। कंप्लेन करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। तो उस टाइम पे 7 बजने वाला था, किट्टू उठा है। हम और इसके पापा सो रहे थे, बोल रहे थे मम्मा जल्दी उठो, अब रात नहीं है, धूप उठ गया। अकेले से गेट खोला, बाहर चला गया, बड़ा हो गया है अब किट्टू, है ना? किट्टू बाहर कैट घूम रहा है, बाहर कैट घूम रहा है। कैट जब भी कैट दिखता है ना, कैट को भगाता है, उसको लगता है कि कैट उसका गाज खा जाता है, जो आंगन पे गाज वगैरह लगा हुआ है वो। गर्मी इतना ज्यादा कर दिया है ना, सारे ने कपड़ा खोल खोल के बैठे पड़े हैं, दिखा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, और टीना के घर पे तो और ज्यादा गर्मी लगता है। हॉर्म बैठे है बेचारी, पंखा चल रहा है। एलिफेंट मीन्स हाथी। पढ़ते पढ़ते ये सब क्या हो रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। एलिफेंट मीन्स हाथी। F for fish. Fish means machli. G for goat. यहाँ देखो, goat means बकरी। चलो G for goat. यहाँ देखो G for goat. Goat means बकरी। किट्टू को उसके पापा पढ़ा रहे हैं, तो चाय जी तो हो गया था, इसको धो लेते हैं। और अगले दिन जो गए थे ना बाजार, तो भुट्टा लेके आए थे, आज भुट्टा भुनेंगे। कल हस्बैंड नहीं थे घर पे, तो इसलिए भुने नहीं थे। अकेले अकेले क्या भुने और क्या खाएं, घर पे जब तक कोई नहीं रहे ना तब अच्छा नहीं लगता। मम्मी आज सुबह सुबह चाय, मम्मी हम थोड़ा लेट उठते हैं ना, तो मम्मी चाय वगैरह बना लेती है अपनी, पी लेती है, बाकी हम लोगों का छोड़ देती है। हम उठते हैं तो गर्म करके हम लोग अपना पी लेते हैं, इसको धो लेते हैं, फिर चलेंगे भुट्टा भुनने, बाहर ही भुनेंगे चूल्हा पे। बारिश के कारण ना इसको छिपा दिया गया है, और देखना पानी कितना रहता है इसमें। ये गमला किट्टू पटक के फोड़ दिया है। एक दिन मम्मी नहा रहे थे, पानी भरा हुआ था, तो किट्टू आया, गमला ऐसे उठा, ऐसे छोड़ दिया, और पानी भरा हुआ था, आधा पानी भरा हुआ था, नीचे वाला फूट गया। अब बस कुछ छिपाने छुपाने का काम आएगा, बस पानी का काम तो कुछ नहीं होने वाला, जो भी पानी भरता है लीक हो जाता है। चूल्हा खोल दिया है, थोड़ा धूप लोग और भुट्टा निकालते हैं। ये रहा भुट्टा, 3 पीस 1 किलो हो गया था, पूरा बारिश में भीग गया था ना, भारी भी हो गया था, नरम तो है बोला है, देखते हैं छिलके। किट्टू अभी यहाँ पे बैठ के कुछ खा रहा था ना, तो वो गिरा दिया था, अपने से ही साफ कर रहा है। भैरवे बोल रहे हैं ये सब दिखाना नहीं है। आपको पता है जापान में छोटे छोटे बच्चे से पोछा तक लगाता है, झाड़ू पोछा। आलिया कौन दिया? किट्टू दिया, किट्टू भैया। किट्टू को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि शेयरिंग और गुड मैनर्स मेंटेन करे, और करता भी है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत बदमाशी तो सब बच्चे करते हैं, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। मुझे दे रहा है पसीना, किट्टू कर रहा है पंखा, देखो पसीना देख के पंखा लेके आ गया पंखा करने के लिए। दोनों बच्चे लोग भी तो गर्म है बेटा, गर्म बेटा भी आ गया, मम्मी बोल के दे दी। गाल पे लग रहा है, दूर हट के करो। आज घर पे बन रहा है एक स्पेशल चीज, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, वो है कि परवल का भरवा। तो मम्मी हम छिलके दे दिए थे धो के, मम्मी उसको चीर के उसके अंदर का जो बीज है ना वो सब निकाल रही है, और यहाँ पे मसाले के लिए इसका बीज और प्याज काटी है एकदम बारीक बारीक सा,
और इधर हम मसाले भी छील लिए थे, तो मसाला देते हैं बिहारी भाभी को पीसने के लिए। वो पीस देते हैं। हो गया आपका मसाला? हम पीसे। अरे पानी मत मारो। सारा परवल का बीज अंदर से निकाल दी है मम्मी, और इसको करना है फ्राई। और यहाँ पे जो जो उसके अंदर का बीज निकला है और ऑनियन, ये मसाला इसको भूज के अंदर उसके अंदर दिया जाएगा। तो पहले भाज लेते हैं परवल बिना नमक का, और इसे ना ये बहुत टेस्टी लगता है। कौन कौन खाए हैं परवल का भरवा कमेंट करें, और किसको किसको बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग ट्राई नहीं किए हैं अभी तक, खाए नहीं हैं, ट्राई करने। बिहार का फेमस डिश में से एक है और बहुत टेस्टी लगता है। जैसे बंगाल साइड में दोई पोटल होता है ना, बिहार में होता है परवल का भरवा, बहुत टेस्टी। अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता है तो ये देख सकते हैं, लास्ट तक रेसिपी पूरा हमने शेयर किया है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा ये नहीं है, मेहनत नहीं है। मैं बना रही है परवल का भरवा, और आप क्या कर रहे हो? हम बनाएंगे मैंगो जूस किट्टू के लिए। किट्टू काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं आम खाएगा, और काट के दिन से एक फाक या दो फाक खाता है, उसे ज़्यादा खाता नहीं है, और जूस बना के देते एक ग्लास पी लेता है। अभी इतना छाँव है, धूप में लोग निकल नहीं पा रहे, धूप में बैठ धूप में खड़े होकर छिल रहे हैं। घर में रस गिरेगा, मक्खी लगेगी। और देखो फ्रेंड्स, वहाँ पे ना वो टूट गया है, ऐसे करके पूरा वो लटक गया है। इनको हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक करा दो, और मौसम देखो बारिश बारिश कर रखा है, बादल सा पूरा आसमान में मेघ है, सुनते ही नहीं है, टूट जाएगा। अभी टू देखो तो, इधर देखो हमेशा जो टॉयज फेंक के रखते हो, देखो आपके पीछे टॉयज गिरा पड़ा है, बोर्ड ऐसे निकाल के फेंके हो। इधर देखो, अल्फाज भैया आया था सुबह में, फिर भाग गया था, ये किट्टू फेंका है ना। इधर देखो, झूठ नहीं बोलते, बैड हैबिट होता है ऐसा वाला, है ना। अल्फाज भैया खेला था, पर ये किट्टू फेंका है, है ना। उठा दोगे? प्याज फ्राई होने के बाद ना, जो उसका बीज निकला था वो दे दी थी। उसके बाद जो होता है मसाला वगैरह, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची का पाउडर, वो सब दे के अच्छे से भुना गया है। देखो तेल छोड़ दिया अंदर से, और इसको अभी रखा जाएगा निकाल के ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद इसके अंदर ये मसाला भरा जाएगा, और किस तरीके से भरा जाता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे सारा। ऐसे मम्मी कर रही है, मम्मी भी एक बार बनाया था, पर मम्मी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग है, तो मम्मी बना रही है। देखो इतना, एक दो तीन चार पाँच पीस भर दी है, एक छः नंबर भर रही है। ऐसे हल्का सा मुंह फाँक चीर के उसके अंदर मसाला डाल के उसको बंद कर देना है। देखो इस तरीके से, सारा मसाला भरा गया था। आज बनना है 14 पीस, 2 पीस निकाल लिए हैं किट्टू का बिना मिर्च वाला। ये 12 पीस है जो मिर्च दे के बनेगा, इसको दोबारा बनाना है फिर से और ग्रेवी के अंदर डालना है। तो ग्रेवी बनाने के लिए उसमें भी पहले ऑनियन फ्राई करके, उसके बाद जो मसाला का पेस्ट होता है, आप ऐसे अदरक लहसुन का पेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन, जीरा, धनिया, मिर्ची, हल्दी सारा कुछ है। तो एक्स्ट्रा मिर्ची इसलिए दिया गया है क्योंकि मसाला थोड़ा तीखा कम है। उसके बाद इसको अच्छे से भून के इसमें डाल देना है पानी। तो देखो बन के हो गया है ग्रेवी तैयार। अब इसके अंदर जितना परवल है सारा डाल देना है, उबाल आने के बाद इसको बंद कर देना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, सारा चीज़ मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता है। बनके हो गया तैयार परवल का भरवा, खाने के लिए एकदम तैयार। क्या हुआ? चलो आज ना गूगल पे दिखा रहा है बारिश आने वाला है, 2 बजे से लेके 10 बजे तक है, पर 4 बजे 5 बजे पूरा 100% है कि बारिश होगा। तो इसीलिए अनोने करने जा रहे हो? अच्छा दादी करा देगी जाओ। और तो इसीलिए नहाना कैंसिल, सामने बारिश आएगा तो उसमें नहाना है। 4 बजे तक नहाएंगे नहीं, बारिश में नहाएंगे। बहुत दिनों से ना जैसे मेघ करता है, बादल करता है, तो बोलते हैं बारिश में नहाएंगे नहाएंगे, और दोपहर तक बारिश नहीं आता, ठीक शाम में आता है। आज शाम हो और जो हो, बारिश पे ही नहाना है, और बिहारी भी नहाएंगे। किट्टू तभी नहा लेगा, तो खिला पिला के सुना देंगे। नहीं मिलने से जूझू नहीं करेंगे, पहले किसी
ये रहा इसका रिश्वत, ये रहा इसका रिश्वत। तब मम्मा किट्टे तो झुलाएगी। चलो झुला देते हैं, चलो वो जैसे जिद कर रहा है झुलाना 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 झुलाना, बोले किसी तो तब झुलाएंगे नहीं तो नहीं। चलो सब खा पी के सोए हैं, आराम कर रहे हैं और हम इस बीच कर लेते हैं अपना वीडियो एडिट। तो बिहारी बाबू लोग उठ गए थे और जो दिखाए थे ना कि आज टूट रहा है, तो आज इस पे काम पे लगे हैं। मम्मी रस्सी बांध के पकड़ी है, एकदम टूट गया था तो उसका सही कर रहे हैं, क्योंकि दिखा रहा है बारिश आ रहा, पता तो बारिश नहीं हुआ है, अभी 6 बज रहा है, अभी तक हम नहाए भी नहीं है, इंतज़ार करते करते कि बारिश आएगा आएगा, अब तक नहीं आ रहा है। शाम होने को है, अब चलेंगे नहाने, बारिश ने धोखा दे दिया। जिस दिन इंतज़ार करते हैं ना बारिश का, उस दिन आता नहीं है, और जिस दिन इंतज़ार नहीं रहता है उस दिन बिना दिखाए गूगल पे ना हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली ये ठीक हो गया ना, इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो टूट जा, बारिश होता मतलब ये टूट जाता। किट्टू भी हेल्प कर दिया थोड़ा सा, आज पनपी दिखाते हैं बर्ड उड़ रहा है। दोपहर से इतना देर तक बारिश के लिए बैठ के अभी नहा के आए, उनका पानी भी नहीं सूखा है, वहाँ आंधी आ गया, बारिश होने वाला है, बारिश बिजली कड़क रहा है, बारिश गिर रहा है, लाइट भाग गया है। मच्छर कितना उड़ रहा है, अब कैमरा में दिख रहा है। अब मच्छर नहीं, धूल उड़ रहा है। इतना आंधी में जो बच्चा था जो गाछ के नीचे आम चुन रहा है, कितना रिस्की है। आप जाते थे कि नहीं बचपन में? नहीं, हम नहीं आंधी टूटने के छूने के बाद ना, ये हम लोग भी आम छूने हैं बारिश छूटने के बाद। उस दिन चले गए थे तो खड़े हुए, उस दिन दिन था, दिन था, रात के टाइम बता रहे कौन सा ढाल टूट के गिरेगा, कौन सा गाछ पेड़ गिर जाए, उसको कुछ ठिकाना है। आंधी में नशा होता है आम चुनने वाला, पता नहीं कितना जोर का हवा चल रहा है, छूट रहा है, उठ रहा है। किट्टू बाहर नहीं निकल रहा है डर से। कुछ नहीं होता, बाहर आ ना, हवा लगेगा, आ जाओ, सब बाहर है, देखो दादी पापा, नहीं बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं, ऊपर यहीं पे खड़े हो ना, हवा लगेगा ठंडा ठंडा सा। मत जाओ, है किट्टू जा रहा है पीछे, है किट्टू बिजली कड़क रहा है, किट्टू आ इधर, ऊपर नहीं देखा, कुछ ना कुछ गिरेगा मुंह के अंदर, बट इधर आ, बिजली कड़क रहा है, ऊपर है अंदर आओ। जोर का बारिश होने लग गया और आसमान की बिजली इतना कड़क रहा है। न्यूज़ पे बताया है बिहार में ना बिजली गिर के बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है, और इसीलिए पेड़ के नीचे या फिर जैसे होता है ना कमज़ोर घर के नीचे और बिजली के खंभा के नीचे रहना नहीं चाहिए, तो इसीलिए किट्टू को तो हम निकलने नहीं दे रहे थे। और हम आ गए हैं अभी किचन पे, डिनर का तैयारी करना है, मतलब सब्जी तो है, बस रोटी बनाना है। और किचन के अंदर भी ना छीटा आ रहा है, दिखाते हैं, भीग रहा है पूरा, बारिश का छीटा इस साइड आ रहा है, किचन का गेट भी लगा देते हैं, देखो कैसे भीग गया। मम्मा को मच्छर काट लेगा? हाँ। किट्टू को नहीं काटेगा? नहीं। गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, गुड नाइट मच्छर, नहीं इधर देखो, गुड नाइट बोल दो, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड।